तिवारीपुर थाना क्षेत्र के निजामपुर चौराहे पर दबंगों द्वारा विकास यादव नाम के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या की गई। आपको बता दें कि शाम 7 बजे विकास यादव निजामपुर चौराहे से होते हुए अपने घर जा रहे थे, तभी कुछ युवकों द्वारा उन पर हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची तिवारीपुर थाने की पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। घटना स्थल का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच भी की जा रही है। परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव क्रोअर ने कहा, देखिए आज 7:20 के आसपास की एक घटना की जानकारी थाना तिवारीपुर क्षेत्र में शाम को ये प्राप्त हुई कि विकास यादव नाम का एक युवक जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था, गली में कुछ लड़कों द्वारा उसके ऊपर हमला किया गया, जिसमें उसको चोटें आई। तत्काल उसको हॉस्पिटल के लिए रश किया गया, पुलिस भी साथ में गई। हॉस्पिटल में उसको जो चोटें आई थी उसके तहत उसको मृत घोषित कर दिया गया। मौके का जो निरीक्षण है वो सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। परिजनों के साथ संपर्क किया जा रहा है, घटना की जानकारी ली जा रही है। साथ ही साथ घटना स्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम के द्वारा और आसपास के जो CCTV कैमराज हैं उनके माध्यम से घटना क्या हुई, किन परिस्थितियों में हुई और क्या घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी की जा रही है। परिजनों से जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके विश्लेषणात्मक कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए जिसके द्वारा भी ये घटना दर्ज की गई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी 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 परिजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी और जो आसपास लोगों से बातचीत हो रही है उसके आधार पर ही अग्रिम विवेचना जो आगे बढ़ाई जाएगी। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनको संज्ञान में लेते हुए इसमें दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।